के लिए कवि ने प्राकृतिक उपादानों का सहारा लिया है। जैसे देखो, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा उतारी, सूर्य की जो किरणें हैं वो तेरे प्रकाश को, तेरे स्वरूप को बता रही है। किसके स्वरूप को बता रही है? ईश्वर के स्वरूप को बता रही है। ध्यान रखना, किसके स्वरूप को? ईश्वर के स्वरूप को व्यक्त कर रही है। आगे देखो, अनादि तेरी अनंत माया, कि तेरी जो माया है, तेरी जो लीला है, तेरा जो स्वरूप है वो कैसा है? ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो रूप है वो कैसा है? अनादि। कैसा है? अनादि, जिसके आरंभ का पता नहीं है। अनादि यानी जिसके आरंभ का पता नहीं है, आनंद से जिसके अंत का भी पता नहीं है। ठीक है, अनंत जिसके अंत का पता नहीं है, जिसके अनादि जिसके आरंभ का पता नहीं, जगत को लीला दिखा रही है, और जगत को लीला, संसार को लीला, संसार को लीला दिखा रही है, संसार के स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं। प्रसाद तेरी दया का कितना हे ईश्वर, अगर तेरी दया के प्रसाद को देखना है, हे ईश्वर अगर तेरी दया के प्रसाद को देखना है, तेरी दया के विस्तार को देखना है कि तेरी दया कितनी है, तेरी दया का प्रसार फैलाव कितना है, तो ये देखे सागर, यानी यहाँ पर भी प्राकृतिक उपादान सागर, ये प्राकृतिक उपादान है ना सागर। अगर तेरी दया का रूप देखना है, दया के फैलाव को देखना है, दया के विस्तृत रूप को देखना है, तो हम किसको देखें? सागर को। ईश्वर की दया की तुलना किससे की है? सागर से की है। जिस प्रकार सागर का आदि और अनादि का कोई पता नहीं, अनंत का और आदि का कोई पता नहीं रहता है, उसी प्रकार ईश्वर की दया भी क्या है? बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। अगर हम सागर से तुलना इसलिए किए हैं कि सागर का भूभाग बहुत बड़ा होता है, सागर विस्तृत होता है, उसी प्रकार ईश्वर की दया भी क्या है? बहुत विस्तृत है। आगे देखो, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है, तरंग मालाएं समुद्र की लहरें, लहरें तरंग मालाएं लहरें, हे ईश्वर तेरी प्रशंसा में, तेरी प्रशंसा का कौन गा रही है? समुद्र की लहरें तेरी प्रशंसा का गुणगान कर रही है। समुद्र की जो लहरें हैं वो तेरी प्रशंसा गा रही है, तेरी प्रशंसा में गा रही है। दोबारा देखो, विमल इंदु की विशाल किरणें यानी चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणें तेरे प्रकाश को, तेरे स्वरूप को व्यक्त कर रही है। अनादि तेरी अनंत माया है ईश्वर, तेरी जो माया है, तेरी जो लीला है वो कैसी है? अनादि और अनंत है, जो पूरे समस्त जगत को, पूरे संसार को दिखा रही है, यानी ईश्वर अपनी लीला, ईश्वर अपनी लीला को पूरे संसार को दिखा रहा है। प्रसार तेरी दया का कितना है ईश्वर, अगर तेरी दया का प्रसार देखना है, तेरी दया का फैलाव को देखना है, तो हम किसको देखें? हम सागर को देखें, क्योंकि जितना बड़ा सागर है उतनी उतना ही दयावान है। ईश्वर की दया की तुलना किससे की है? सागर से की है। और तेरी प्रशंसा में, और तेरी प्रशंसा जो समुद्र की लहरें हैं वो तेरी प्रशंसा गा रही है, तेरी प्रशंसा में गा रही है। समुद्र की उठने वाली लहरें तेरी प्रशंसा को गाकर व्यक्त कर रही है। अब बताओ किसको दिक्कत थोड़ी मूर्तियों में? सीधी है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, आगे देखो, तुम्हारा इसमें बोझ से निरना, तुम्हारा इसमें बोझ से निरना, जिसे निरना
इसे निरखना वो देख सकता है चंद्र का को, वो देख सकता है चंद्रिका को, चंद्रिका को तुम्हारे हंसने की धुन में, तुम्हारे हंसने की धुन में हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो तो देख माना, तो तारक ग्रह की ज्योति तारका ग्रह की ज्योति उसका पता लगा है, अब देखो दो पत्ते देख रहे हैं, तुम्हारा इस वो जिसे निरखना हे ईश्वर, तुम्हारा इसमें अगर तुम्हारे मुस्कान इसमें का तो मुस्कान, अगर तुम्हारी मुस्कान जिसे निरखना हो देखना हो, ईश्वर की मुस्कान को अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है चंद्रिका को, चंद्रिका चांदनी चांदनी खुशी चांदनी, तुम्हारा इसमें हो जिसे निरखना। देखो किससे रहती है, ईश्वर की मुस्कान की तुलना, ईश्वर की मुस्कान की तुलना किससे की है, चंद्रमा की चांदनी से। अगर हम ईश्वर की मुस्कान को निरखना चाहते हैं, कोई भी ईश्वर की मुस्कान को देखना चाहे तो वो किसे देख सकता है, किसे देख सकता है वो, वेरी गुड, किसको, चांद की चांदनी, यानी जो सुंदरता चंद्रमा की चांदनी में है वही सुंदरता ईश्वर की मुस्कान में है। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी अपनी प्रिय लगती है उसी प्रकार ईश्वर की मुस्कान भी अपने को बहुत प्रिय लगती है। अर्थात हमें अगर चंद्रमा की चांदनी को निरखना है, चांदनी को देखना है, तो हम चंद्रिका को देख सकते हैं, उसमें ईश्वर के स्वरूप को देख सकते हैं। तुम्हारे स्नेह की धुन में नदियां, तुम्हारे स्नेह की धुन में नदियां निराद करती ही जा रही है। फिर कभी कह रहा है अगर हमें ईश्वर की हंसने की धुन सुननी है, ईश्वर की हंसी सुननी है अपने को,
तो किसको सुने? नदियों की कलकल की ध्वनि, बहते हुए पानी की ध्वनि। जब नदियां बहती है और बहती हुई मधुर ध्वनि करती है तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर क्या कर रहा है, हंस रहा है। यह ईश्वर की हंसी की आवाज, हंसी की धुन अपने को सुनना है तो हम किसको सुन सकते हैं? नदियों को, नदियों के निनाद को, नदियों की आवाज को सुन सकते हैं। देखो, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम हंस रहे हो और नदियां कल कल की मधुर ध्वनि करती हुई बह रही है। नदियां कल कल की मधुर ध्वनि करती हुई बह रही है। जब नदियां निनाद करती हुई बहती है, कल कल की ध्वनि करती हुई बहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसकी आवाज आ रही है? ईश्वर की हंसी प्रकट हो रही है। ईश्वर की हंसी आवाज आ रही है। आया देखो, विशाल मंदिर की यामिनी में देखना दीपमाला। अगर विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी यानी रात्रि, यामिनी का अर्थ देखो रात्रि, यामिनी का अर्थ देखो रात्रि, इस संसार रूपी मंदिर में, विशाल मंदिर, ये पूरा संसार रूपी मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर में, इस संसार रूपी मंदिर में अगर रात्रि को हमें देखना है, जिसे देखना को दीपमाला, रात्रि में हमें दीपकों की माला देखनी है, दीपकों की कतार देखनी है, इस संसार रूपी मंदिर में रात्रि में अगर अपने को दीपकों की माला, हमें दीपकों की माला, दीपकों की माला देखनी है, बहुत सारे दीपक देखने हैं, तो हम तो रात्रि में किसे देख सकते हैं? तो तारकगण, तारकगण यानी आकाश में टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दीपकों की माला हो। अगर हमें कुछ रात्रि में कुछ देखना है, दीपकों की माला देखनी है, तो हम किसे देख सकते हैं? किसको? टिमटिमाते हुए तारों की ज्योति को, ज्योति के प्रकाश को या तारकों को देख सकते हैं। टिमटिमाते हुए तारे पता अनूठा बता रही है, वो ईश्वर के पते को बता रही है, ईश्वर के एड्रेस को बता रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है। बताओ तुम, है नहीं है? जो आकाश में टिमटिमाते हुए चमकते हुए तारे हैं, तारकों की जो ज्योति है, वो ईश्वर के अनोखे पते को, अनूठे पते को व्यक्त कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो आकाश में चमकते हुए जो तारे हैं, उनमें ईश्वर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। अनोखा, कहने का मतलब यह है कि इन तारों की ज्योति में कौन बसा हुआ है? ईश्वर बसा हुआ है। अगर हमें ईश्वर को देखना है, दीपकों की माला देखनी है, तो किसको देख सकते हैं? तारों को देख सकते हैं। और वो तारकों की जो ज्योति है, तारों का जो चमकना है, वो ईश्वर के पते को व्यक्त कर रही है, ईश्वर का अनूठा पता बता रही है। अब मुझे ये बताओ कि इन पंक्तियों में किसी को दिक्कत है यार? इन पंक्तियों में किसी को दिक्कत आएगा? मुझे बताओ। ये इतनी जो मैंने दो पैराग्राफ बता दिए, किसी को किसी भी शब्द में दिक्कत हो तो बताओ। आगे जाओ,
बोलो, कोई बात नहीं, एक मिनट रखो। किसको दिक्कत हो रही है? देखो, पर वो प्रेम में प्रकाश तुम हो, पर वो प्रेम में, पर वो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रेम में प्रकाश तुम हो। अंशुमाली असीम वंचित तुम्हारी, असीम उपवन के असीम उपवन के तुम हो माली, दया बता रही है, पर वो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रभु ईश्वर, पर वो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति बदलने की आंसू वाली। हे प्रभु, हे ईश्वर, जो तुम्हारा जो प्रकाश है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारा रूप है, वो कैसा है? प्रेम में, प्रेम से। हे ईश्वर, तुम्हारा स्वरूप कैसे है? प्रेम से। तुम्हारा स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, प्रेम से है। प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, इस प्रकृति रूपी पद्मिनी के कमलिनी, पद्मिनी का देखो कमलिनी, कमलिनी के तुम अंशु का मतलब सूर्य, अंशु का मतलब सूर्य, माली का मतलब माली। इस प्रकृति रूपी कमलिनी के तुम मालिक हो, इस पूरी सृष्टि के तुम मालिक हो। जिस प्रकार कमलिनी, जिस प्रकार